एंकट यूपी के फतेहपुर जिले में भाजपा नेत्री ने पुलिस चौकी पहुंचकर पुलकर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। भाजपा नेत्री की इस पहल को पुलिस कर्मियों ने काफी सराहा है और उनकी बहन की कमी का एहसास न होने की बात कही है। मामला जिले के बुनकी कोतवाली के खजुआ पुलिस चौकी का है, जहां भाजपा नेत्री ने पहुंचकर पुलिस कर्मियों की कलाई में राखी बांधकर उनकी बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। वही इस सराहनीय पहल के कारण पुलिस कर्मियों के चेहरे में खुशी देखी गई। भाजपा नेत्री के मुताबिक रक्षा बंधन के पवित्र पर्व के दिन हमारे द्वारा पुलिस कर्मियों को राखी बांधा गया है, क्योंकि पुलिस कर्मी अपने परिवारजनों को छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं और परिवार व बहन की कमी उन्हें महसूस न हो, इसलिए मेरे द्वारा उन्हें राखी बांधते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की गई है। बाइक डिटेल मंजू शुक्ल भाजपा नेत्री ने बताया कि रक्षाबंधन के पवित्र पर्व के दिन हमारे द्वारा पुलिस कर्मियों को राखी बांधा गया है, क्योंकि पुलिस कर्मी अपने परिवारजनों को छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं और परिवार व बहन की कमी उन्हें महसूस न हो, इसलिए मेरे द्वारा उन्हें राखी बांधते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की गई है। पुलिस कर्मियों को राखी क्या मकसद है इसका? इसमें मकसद ये है कि हमारे पुलिस कर्मियों को जो भाई हैं तो उनको छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं, इस त्यौहार के मद्देनज़र में छुट्टी नहीं दी जाती है सुरक्षा की दृष्टि से, तो उनको बहन आ पाती है ये वो जा नहीं पाते। इस मुद्दे में हमारे सरकार ने, योगी सरकार ने और मोदी जी ने का आह्वान हुआ कि सब बहनें जाके अपने अपने पुलिस चौकी में और जहाँ भी फौजी भाई हैं जो पुलिस कर्मी हैं उनको सबको राखी बांधें और एक संदेश दें कि भाइयों को कमी समझ में ना आए बहन की, और अपने अपने उनकी सुरक्षा की भी, और अपने उसमें मुद्दा एक ये भी है कि भाइयों के अंदर एक दिल में जो आत्मीयता जगती बहनों के प्रति, सुरक्षा की दृष्टि से जो महिला सशक्तिकरण चल रहा है तो उसमें भाई बहन के जुड़ाव होना पुलिसकर्मियों के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं अपने उसमें बहनों के साथ में कहीं दहेज को लेके या कहीं गलत तरीके से बहनों को परेशान किया जाता है, तो वो सरकार की सोच है। क्या नाम है आपका? मेरा